हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनास्थेटिक एजेंट विच इज एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इज नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, केटामाइन, हेलोथेन। कौन सा एनास्थेटिक एजेंट होता है एक्सप्लोसिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो ये होता है ईथर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ईथर होता है जनरल एनास्थेटिक्स के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में। ये होता है इनहेलेशनल एनास्थेटिक। इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स में आते हैं ईथर, हेलोथेन, देन इन्फ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सेवोफ्लुरेन। ये सभी होते हैं इनहेलेशनल एनास्थेटिक्स, इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक्स। देन इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में एक होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, इसमें आता है नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनास्थेटिक्स में एक होते हैं इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक एंड दूसरे होते हैं पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में आते हैं फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग्स। फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में आते हैं प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, थियोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन एंड स्लो एक्टिंग में आते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स, देन केटामाइन, फेंटेनिल। ये सभी होते हैं स्लो एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स। बेंजोडाइजेपाइन्स में आता है मिडाजोलाम, डाइजेपैम। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच जनरल एनास्थेटिक प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया। मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है ये। जनरल एनास्थेटिक प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया, तो ये होता है केटामाइन। ये केटामाइन डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। किसमें इसका यूज करते हैं? तो केटामाइन यूज्ड इन दी बर्न ड्रेसिंग एज एन एनास्थेटिक एंड अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में भी केटामाइन का यूज करते हैं एज एन एनास्थेटिक। केटामाइन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक। ये नॉन इरिटेटिंग, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। देन विच जनरल एनास्थेटिक हैज अ गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी? कौन से जनरल एनास्थेटिक की होती है गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी? तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। देन विच जनरल एनास्थेटिक कॉजेस हाइपोक्सिया? कौन सा जनरल एनास्थेटिक कॉज कराता है हाइपोक्सिया? तो ये भी कॉज कराता है नाइट्रस ऑक्साइड। देन सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ? तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। देन किसे ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं फॉर डेंटल एनाल्जेसिया? तो ये भी होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक? तो ये होता है हेलोथेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन? तो ये भी होता है हेलोथेन। विच जनरल एनास्थेटिक है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी? तो ये भी होती है हेलोथेन की। विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है हेलोथेन। हेलोथेन इनिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। देन हेलोथेन कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन, सो इट इज प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट। इसे प्रेफर्ड किया जाता है अस्थमा पेशेंट्स में बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड गैस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग गैस व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हेलोथेन? नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रोजन, हेलियम। सेकेंड गैस इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय द फॉलोइंग गैस व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हेलोथेन। तो अभी हमने डिस्कस किया था सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड एक्सर्ट कराता है सेकेंड गैस इफेक्ट व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विथ हेलोथेन। नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक। नॉन इरिटेंट होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। यह हाइपोक्सिया कॉज कराता है। देन इट हैज ए गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, ठीक है। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथेन एनास्थेशिया इज इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इट डिक्रीजेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्रोडक्शन ऑफ एनास्थेशिया इज स्लो। इनमें से क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथेन एनास्थेशिया? तो ये हेलोथेन रेस्पिरेशन को डिप्रेस कराता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन।
डिसएडवांटेज ऑफ हेलोथ एंड एनास्थेसिया होता है इट डिप्रेसेस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिसोसिएटिव एनास्थेसिया, केटामाइन, फेंटानिल, प्रोपोफॉल, हेलोथेन, कौन कॉज कराता है डिसोसिएटिव एनास्थेसिया? तो अभी हमने डिस्कस किया था डिसोसिएटिव एनास्थेसिया, केटामाइन ऑप्शन ए। ये डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है एंड इसे यूज करते हैं बर्न ड्रेसिंग्स में एज एन एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, इनमें से कौन है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है फेंटेनिल। ये फेंटेनिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक, ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है। देन बैलेंस्ड एनास्थेसिया में इसका यूज करते हैं फेंटेनिल का। इंट्रावेनस फेंटेनिल इज यूज इन बैलेंस्ड एनास्थेसिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, इनमें से कौन सा होता है सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स? तो ये भी होता है फेंटेनिल। फेंटेनिल प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, ठीक है। देन इनमें से कौन सा है मोस्ट पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक, मोस्ट पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक? तो ये होता है प्रोपोफॉल। इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी इज प्रोपोफॉल। हेलोथेन ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन। देन हेलोथेन हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी। हेलोथेन इनिबिट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए इसे यूज करते हैं ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ डीप एनास्थेसिया, अपीयरेंस ऑफ टीयर्स इन आईज, रेजिस्टेंस टू पैसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, फॉल इन ब्लड प्रेशर, पेशेंट मेक्स स्वेलोइंग मूवमेंट्स। साइन ऑफ डीप एनास्थेसिया, तो डीप एनास्थेसिया का साइन होता है फॉल इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एनास्थेटिक दैट इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, हेलोथेन, फेंटेनिल, केटामाइन, डायजेपैम, इनमें से कौन सा एनास्थेटिक इंक्रीज कराता है आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर? तो ये होता है केटामाइन, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। केटामाइन इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेसिया, देन केटामाइन प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशंस। देन अभी आप मुझे बताएंगे केटामाइन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, केटामाइन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन? तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन एपिलेप्सी, ग्लूकोमा, देन सिजोफ्रेनिया, ठीक है। डायजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइन्स में, स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक में आता है डायजेपैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्लुरेन, ईथर, साइक्लोप्रोपेन, कौन कॉज कराता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी? तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है मिथॉक्सीफ्लुरेन, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये मिथॉक्सीफ्लुरेन भी आता है जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल ऑयल लिक्विड क्लास में, ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। किस में यूज करते हैं मिथॉक्सीफ्लुरेन का? तो इसे यूज करते हैं टू रिड्यूस पेन। इसका ऑनसेट ऑफ पेन रिलीफ रैपिड होता है एंड इसका होता है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, देन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी इज, केटामाइन, प्रोपोफॉल, मिथोएक्सिटोन, थियोपेंटोन सोडियम। एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये है प्रोपोफॉल, ऑप्शन बी। पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक फॉर बोथ इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस एनास्थेसिया इज प्रोपोफॉल। ये आता है फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक में। प्रोपोफॉल, मिथोहेक्सिटोन, थियोपेंटोन सोडियम, ये होते हैं फास्ट एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। ये केटामाइन आता है स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनास्थेटिक दैट हैज ए स्मूथ इंडक्शन इज, डाइथाइल ईथर, आइसोफ्लुरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन। एनास्थेटिक दैट हैज ए स्मूथ इंडक्शन, तो स्मूथ इंडक्शन होता है हेलोथेन का, ऑप्शन डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोमाइड एटम कंटेनिंग एनास्थेटिक, हेलोथेन। विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, हेलोथेन। विच जनरल एनास्थेटिक हैज सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी, हेलोथेन। विच एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन अस्थमा पेशेंट, हेलोथेन, बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन।
एंड इसका होता है स्मूथ इंडक्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जनरल एनास्थेटिक एज ए गुड एनाल्जेसिक बट पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, नाइट्रस ऑक्साइड, जनरल एनास्थेटिक कॉज इज हाइपोक्सिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड, किसे O2 के साथ यूज करते हैं फॉर डेंटल एनाल्जेसिया, नाइट्रस ऑक्साइड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक, तो फ्लोरिनेटेड एनास्थेटिक में आता है आइसोफ्लोरेन, ये होता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक। देन विच इज गुड मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ ईथर लाइक ऑर्डर, इनमें से किसका होता है ईथर लाइक ऑर्डर, तो ये होता है आइसोफ्लोरेन का। आइसोफ्लोरेन इज गुड मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ ईथर लाइक ऑर्डर। देन ये कॉज कराता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली यूज इन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस, एट्रोपिन, मॉर्फिन, प्रोमिथाजिन, रैनिटिडिन, रूटीनली यूज इन प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस, तो ये होता है रैनिटिडिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रैनिटिडिन का यूज करते हैं एज ए प्री एनास्थेटिक ड्रग फॉर प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस, ये होता है H2 ब्लॉकर एंड इसे यूज करते हैं प्री एनास्थेशिया में टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को रिड्यूस कराता है और इससे एसिड एस्पिरेशन की रिस्क भी रिड्यूस होती है, इसलिए इसे यूज करते हैं एज ए प्री एनास्थेटिक एजेंट। एट्रोपिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एट्रोपिक एसिड होता है एट्रोपिन, देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक एट्रोपिन, देन विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग एट्रोपिन, ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज्ड इंट्राओक्युलर टेंशन एट्रोपिन, देन विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एट्रोपिन, विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन एट्रोपिन, देन ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलिक पेन तो ये होता है मॉर्फिन, देन मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी, देन मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज इट एग्रवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी मॉर्फिन, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन पिन पॉइंट प्यूपिल, स्ट्रॉप सिंड्रोम, देन एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग नैलॉक्सोन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, इनमें से कौन सा है फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, तो ये है प्रोमिथाजिन, ये होता है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव, इसका यूज करते हैं इन मोशन सिकनेस देन एलर्जिक कंडीशंस देन नोशिया वॉमिटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केटामाइन इज यूजफुल एज एन एनास्थेटिक एजेंट इन इस्केमिक हार्ट डिसीज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, हाइपर एक्टिव एयरवेज, ग्लूकोमा, किसमें यूजफुल होता है केटामाइन, तो केटामाइन इज यूजफुल एज एन एनास्थेटिक एजेंट इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये यूजफुल होता है हाइपर एक्टिव एयरवेज में। अभी आप मुझे बताएंगे ये केटामाइन किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये केटामाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन एपिलेप्सी, ग्लूकोमा, देन सिजोप्रेनिया में। ठीक है, ये डिसोसिएटिव एनास्थेशिया कॉज कराता है, हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग जनरल एनास्थेटिक हैज पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, तो पुअर मसल रिलैक्सेंट एक्शन होती है नाइट्रस ऑक्साइड की, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है गैसियस जनरल एनास्थेटिक, ये नॉन इरिटेटिंग होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, देन इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, देन ये हाइपोक्सिया कॉज कराता है, देन सेकेंड गैस इफेक्ट इज सीन विथ नाइट्रस ऑक्साइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे एनास्थेटिक एजेंट विच इज एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनमें से कौन सा एनास्थेटिक एजेंट होता है एक्सप्लोजिव इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, तो ये होता है ईथर, ईथर आता है इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक में। देन विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज विथ O2 फॉर डेंटल एनाल्जेसिया, इनमें से कौन से जनरल एनास्थेटिक का यूज करते हैं O2 के साथ फॉर डेंटल एनाल्जेसिया, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। विच इज मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ईथर लाइक ऑर्डर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी हमने डिस्कस किया था, मेंटेनेंस एनास्थेटिक बट नॉट प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ईथर लाइक ऑर्डर, तो ये होता है आइसोफ्लोरेन। देन जनरल एनास्थेटिक हैविंग मोस्ट मार्क यूटेरिन रिलैक्सेंट एक्शन,
हेलोथेन, ब्रोमाइड आइटम कंटेनिंग एनास्थेटिक हेलोथेन, विच जनरल एनास्थेटिक है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी हेलोथेन, विच जनरल एनास्थेटिक इज यूज ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी हेलोथेन, यह हेलोथेन इनिबिट कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, केटामाइन। नॉट द फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक, इनमें से कौन सा पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक फास्ट एक्टिंग में नहीं आता? तो हमने देखा था फास्ट एक्टिंग में आते हैं प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, देन थियोपेंटोन, मिथोएक्सिटोन। स्लो एक्टिंग में आते हैं बेंजोडाइजेपाइन्स, केटामाइन, फेंटेनिल। तो नॉट द फास्ट एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक होता है केटामाइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। केटामाइन, बेंजोडाइजेपाइन्स, फेंटेनिल, ये सभी होते हैं स्लो एक्टिंग ड्रग्स, स्लो एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा एनास्थेटिक इंक्रीज कराता है आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर? तो ये होता है केटामाइन। देन विच एनास्थेटिक इज यूजफुल इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, तो ये भी होता है केटामाइन। देन पॉपुलर डेकेयर एनास्थेटिक प्रोपोफॉल, ये इटोमिडेट आता है इंडक्शन एनास्थेटिक में, इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एंड ये प्रोड्यूस कराता है कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ये होता है इंडक्शन एनास्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेनस फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू एफोर्ड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, एनाल्जेसिया, अनकॉन्शियसनेस, सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। आईवी फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया टू एफोर्ड, तो इसे यूज करते हैं इन बैलेंस्ड एनेस्थेसिया में टू एफोर्ड एनाल्जेसिया, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये फेंटेनिल आता है स्लो एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में। देन विच एनास्थेटिक इज 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, तो ये भी होता है फेंटेनिल। देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स, तो ये भी होता है फेंटेनिल। इट प्रोड्यूसेस मिनिमल कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, सो इट इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, The following anesthetic can be used by the open drop method: ether, desflurane, halothane, isoflurane. Used by the open drop method. तो open drop method से यूज करते हैं ether का, option A will be your correct answer. Ether होता है inhalational general anesthetic. Then anesthetic agent which is explosive in the presence of inflammable substances, ether. ये desflurane, isoflurane, ये होते हैं fluorinated anesthetics. देन इनमें से किसका होता है इथर लाइक ऑर्डर एंड नॉट प्रेफर फॉर इंडक्शन एनास्थेसिया, तो ये होता है आइसोफ्लुरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल एनास्थेटिक हैविंग सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी हेलोथेन, इन्फ्लुरेन, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से किसकी होती है सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेशन प्रॉपर्टी? तो ये होती है हेलोथेन की, ऑप्शन ए। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल एनास्थेटिक विद एंटी इमिटिक एक्शन इज थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, केटामाइन। कौन से जनरल एनास्थेटिक की होती है एंटी इमिटिक एक्शन? तो ये होती है प्रोपोफॉल की, ऑप्शन बी। इंडक्शन एनास्थेटिक प्रेफर्ड इन डे केयर सर्जरी, तो ये भी होता है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल इज ए पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक फॉर बोथ इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस एनास्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा इज थियोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिडेट, केटामाइन। कौन सा आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रोंकियल अस्थमा? तो ये होता है केटामाइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अस्थमा पेशेंट्स के शॉर्ट ऑपरेशंस में यूज करते हैं केटामाइन का। ये डिसोसिएटिव एनास्थेसिया कॉज कराता है, देन हेलुसिनेशंस कॉज कराता है। देन एनास्थेटिक इंक्रीजेस आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, केटामाइन। एनास्थेटिक यूजफुल इन हाइपर एक्टिव एयरवेज, केटामाइन। ये आता है स्लो एक्टिंग पेरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक्स में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।